समाजसेवी सह शिक्षाविद आदित्य केजरीवाल ने मेयर चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से अब स्वच्छ छवि के लोग मेयर बनेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया नगर निगम के पास वो तमाम सुविधाएं और यहां की भौगोलिक बनावट पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बना सकता है, मगर इच्छा शक्ति की कमी के कारण पूर्णिया नगर निगम सुविधा देने में अन्य निगम से पिछड़ती जा रही है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। सभी लोग जानते हैं इसके विगत जो भी होता था इलेक्शन, तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है काफ़ी होती थी और वार्ड कमिश्नर जो है वो मेयर का चुनाव करते थे, तो वो प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। अब इस प्रक्रिया से चूंकि अब जनता को अधिकार है कि वो खुद अपने शहर के मेयर को चुने और जनता को एक पावर मिला है, तो वो अच्छे व्यक्ति को जो है आगे लाने का जो है वो काम करेगी और ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसा होना चाहिए था। जो भी शहर के मेयर बनेंगे उनके पास एक विज़न होना चाहिए और वो शहर को लेकर के, क्योंकि जब इसके पहले भी मतलब ये देखा गया है कि कोई भी शहर नगर निगम क्यों बनता है। शहर नगर निगम इसीलिए बनता है कि शहर का सौंदर्यीकरण जो है ना वो होना चाहिए। शहर में आज भी जैसे आए दिन जो समस्याएं हैं, मतलब हमारा शहर चारों बगल जो है नालों से घिरा हुआ है और अच्छी अच्छी नदियां जो हैं वो भी हैं जो कि ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का अभाव जो है अभी भी देखा जा रहा है। दो दिन की हल्की सी बारिश में जो है पूरा शहर जो है मतलब जल जमाव की समस्या से जो है वो जूझता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पहले भी जैसे सरकार ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब पूर्णिया उस क्राइटेरिया में उस मापदंड पे आया नहीं स्मार्ट सिटी को लेकर के। तो और मेरा अपना मानना है कि जो पूर्णिया जो शहर है वो बिहार में एक ऐसा शहर है जो सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनने का जो है वो दावा प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसे शहरों को जो है स्मार्ट सिटी के लिए दे दिया गया जिनके पास एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है, जो कि बहुत मतलब सैचुरेटेड टाउन है। पूर्णिया एक स्कैटर्ड टाउन है, फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं स्मार्ट शहर बनने के लिए। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपने शहर में सौंदर्यीकरण, आए दिन जो है जाम की समस्या, कहीं पे भी कोई पब्लिक कोई प्लेस पे जो है मतलब पार्किंग की सुविधा नहीं है। आज कोई भी आदमी जाते हैं तो पार्किंग के लिए, अब शहर चौड़ा भी हो गया है, रोड भी चौड़ी हो गई है, लेकिन सब लोग जो है पार्किंग रोड पे ही कर देते हैं, तो स्थिति जस की तस है। मैं आनंद मोहन गुप्ता, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष बायसी थाना। इस थाना क्षेत्र के सभी जनता को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मेरा यह अपील है कि आप लोग कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए घरों में सुरक्षित रहें और अपना जो कर्तव्य है उसका अनुपालन करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं रमजान अली उर्फ पप्पू, मुखिया प्रतिनिधि बायसी, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना काल में पूरे परिवार को समस्त मास्क के साथ सुरक्षा रहने के लिए कह रहा हूं।